टुडे इंग्लिश थर्ड लेसन आफ्टर शॉर्ट स्टोरी द नेम ऑफ द लेसन सॉरी प्रोज एंड थर्ड लेसन आफ्टर प्रोज द नेम ऑफ द लेसन इज द सेक्रेट ऑफ एन सक्सेस एंड पावर तो आज आप प्रोज का तीसरा चैप्टर जिसका शीर्षक है द सेक्रेट ऑफ हेल्थ तो आज सिखा रहा है सक्सेस सफलता का एंड पावर और शक्ति का स्वाद सफलता और शक्ति का रहस्य है क्या है उसके बारे में सीखेंगे रीजन बाय जेम सेलिन जेम सेलिन के द्वारा ये लिखा गया है तो आइए देखते हैं अबाउट द ऑथर आप लोग देखेंगे अबाउट द ऑथर ऑथर के बारे में देखिए जेम सेलिन इज अ एन इमिनियंट अमेरिकन राइटर जेम्स एलेन वॉज अ फेमस अमेरिकन राइटर मीन्स जेम्स एलेन जो थे वह अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक थे लेखक हैं ही जेसेस आर फेमस फॉर ऑल मोरल टीचिंग्स उनकी जो निबंध हैं वे प्रसिद्ध हैं फॉर मोरल टीचिंग्स नैतिक शिक्षाओं के लिए नैतिक शिक्षाओं के लिए इनके जो ऐसे हैं जो निबंध हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं दे इनेबल द रीडर्स वे पाठकों को सामर्थ्य बनाते हैं योग्य बनाते हैं टू कल्टीवेट गुड हैबिट्स कि वे अच्छे आदतों को कल्टीवेट करें एक्सेप्ट करें अपने अंदर अच्छी आदतों को पाएं तो इनके जो निबंध हैं यही लोगों को सामर्थ्य करते हैं बनाते हैं ही इज बोथ अ थिंकर एंड अ फिलोसफर ये जो जेम्स एलन है वो एक फिलोसफर भी हैं दार्शनिक भी हैं और एक थिंकर भी हैं विचारक भी हैं थिंकर में क्या होता है विचारक हिज फेमस बुक्स आर उनकी प्रसिद्ध जो किताबें हैं काम पावर्टी टू पावर एक किताब इनकी है पावर्टी टू पावर बाई वेज ऑफ ब्लेसनेस नेक्स्ट किताब है बाई वेज ऑफ ब्लेसनेस मजेस्टी ऑफ डेस्टनी यह और किताब है मजेस्टी ऑफ डेस्टनी एंड एज अ मैन थिंक एज अ मैन थिंक ये किताब है तो ये इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं तो आइए अबाउट द लेसन में देखते हैं दिस लेसन हैज बीन सेलेक्टेड फ्रॉम द फेमस बुक फ्रॉम पावर्टी टू पावर यह जो पार्ट है ये जो लेसन है इनकी प्रसिद्ध किताब जो फ्रॉम पावर्टी टू पावर उससे अवतरित है उसी से लिया गया है इट इज हाईली इंस्पायरिंग यह जो चैप्टर है बहुत ही प्रेरणादायक है इंस्पायरिंग उनको प्रेरित करने वाला एक शिक्षा देने वाला चैप्टर है इन द एसे द ऑथर शोस इस निबंध में लेखक ये दिखाता है हाउ अ मैन कैन बिकम हेल्दी सक्सेसफुल एंड पावरफुल कि एक आदमी इस चैप्टर में लेखक ये दिखाता है कैसे एक आदमी स्वस्थ बन सकता है सक्सेसफुल सफल हो सकता है एंड पावरफुल शक्तिमान बन सकता है द सीक्रेट ऑफ ऑल दिस इज प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट प्योरिटी एंड फेथ एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पज इन सब का रहस्य है प्योर शुद्धता है एंड अनसेल्फिश निस्वार्थ अनसेल्फिश स्पिरिट निस्वार्थ भावना है प्योरिटी है शुद्धता एंड फेथ और विश्वास एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पज और एकमात्र उद्देश्य है इन सबका यही रहस्य है ही सेज दैट सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ लाइज इन हारमोनियस माइंड लेखक यह कहता है कि स्वास्थ्य का जो रहस्य है वह एक स्वस्थ मस्तिष्क में निहित होता है विच इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ टेंशन जो हर प्रकार के तनाव से मुक्त रहता है आज स्वतंत्र रहता है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस
लाइज इन फेथ इन गॉड। स्वास्थ्य का जो रहस्य है वह ईश्वर के विश्वास में निहित है। इन लॉ और कानून जो नियम है उसके पर जो विश्वास है उसमें निहित है, एंड इन वर्क और कार्य में निहित है। हर पावर वन शुड कल्टीवेट, क्योंकि शक्ति वन शुड कल्टीवेट प्योर एंड अनसेल्फिश। वन शुड कल्टीवेट, किसी को विकसित करना चाहिए प्योर एंड अनसेल्फिश, शुद्ध और निस्वार्थ स्प्रिट भावना, निस्वार्थ भावना को विकसित करना चाहिए, एंड कंबाइन इट विथ प्योरिटी। ये क्या करती है, शुद्धता से इसको जोड़े रखती, कंबाइन कर देती है, एंड सिंगलनेस ऑफ पर्पज, और यही उद्देश्य का एक लक्ष्य है। तो यहाँ देखिए क्या बता रहा है, वेयर देयर इज स्टेलिंग फेथ, जहाँ दृढ़ विश्वास है, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी शुद्ध गुणों की शुद्धता है, दृढ़ गुणों की शुद्धता है। देयर इज हेल्थ, वहीं स्वास्थ्य है। देयर इज सक्सेस, वहीं सफलता है। देयर इज पावर, वहीं शक्ति है। इन सच वन, ऐसी स्थिति में डिजीज फेलियर एंड डिसास्टर कैन फाइंड नो नॉजमेंट। ऐसी स्थिति में बीमारी असफलता बर्बादी डिसास्टर बर्बादी कैन फाइंड नो डिसलॉजमेंट, ये सब कोई स्थान नहीं पा सकते हैं, ठहरने का कोई स्थान ही नहीं पा सकती, यहाँ ये सब चीजें नहीं ठहर सकती। कौन कौन चीजें, डिजीज फेलियर एंड डिसास्टर। फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड, क्योंकि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ ये फल फूल सके, ये सब बढ़ नहीं सकती हैं ऐसी स्थिति में। द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन एरर आर सिन, जितने जल्दी ही हम यह स्वीकार कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे और जान जाएंगे कि ये जो सिकनेस है, बीमारी है, वह हमारे स्वयं के गलतियों या पापों का परिणाम है। द सूनर शैल वी इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, उतनी जल्द ही हम स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर प्रवेश करेंगे। मीन्स हम क्या करेंगे, केयर करेंगे। जब हमको जानकारी हो जाएगी हमारे अंदर जो बीमारी है वो हमारी कमी से है, तब हम उस पर अलर्ट हो जाएंगे, हम उसको सावधानी पूर्वक देखेंगे। तो ये बता रहे हैं कि इंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य के उच्च मार्ग पर हम प्रवेश करेंगे। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, बीमारियां रोग उनको आता है जो उसको अट्रैक्ट करते हैं, बुलाते हैं। टू दोज हुज माइंड एंड बॉडीज आर रिसेप्टिव टू इट, उनके पास आती है जिनका मस्तिष्क और उनका शरीर इसको स्वीकार करने के लिए, रिसीव उसको स्वागत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार रहता है। एंड फ्लीज फ्रॉम दोज, बीमारियां उन लोगों से दूर भाग जाती है, रोज स्ट्रांग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स, जिनका विचार मजबूत है, प्योर शुद्ध है, और पॉजिटिव थॉट्स उनके सकारात्मक विचार हैं, स्पेयर जनरेट्स जो पैदा करते हैं हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करेंट्स, जो एक जीवन दायिनी करंट को पैदा करते हैं, जीवनदायिनी विचार को पैदा करते हैं, उनके पास से ये सब चीजें भाग जाती हैं। इफ यू आर गिवन टू एंगर, यदि तुम क्रोध कर रहे हो, वरी चिंता कर रहे हो, जेलसी ईर्ष्या कर रहे हो, ग्रीड लालच कर रहे हो, और एनी अदर इनहारमोनियस स्टेट ऑफ माइंड, या मन को बेचैन करने वाली अन्य
बातें कर रहे हैं, मन को बेचैन करने वाली अन्य चीजों को कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ और पूर्ण शारीरिक स्वस्थ होने की आशा कर रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग द इम्पॉसिबल, तब आप असंभव की आशा कर रहे हैं। आर यू आर कंटिन्यूसली सोइंग, क्योंकि आप लगातार बुआई कर रहे बो रहे हो द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप लगातार आपके मन में अपने मन में बीमारियों के बीज बो रहे हैं, बीमारियों के रोगों के बीज को बो रहे हैं। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली सन्ड बाय द वाइज मैन। सच कंडीशन ऑफ माइंड, मन के ऐसी दशाओं में केयरफुली सन्ड, सावधानी पूर्वक हेट्स करते हैं, बचते हैं बाय द वाइज मैन। कौन लोग? बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान आदमी। फॉर ही नोज, क्योंकि वह जानता है देम, क्योंकि वह इनको जानते हैं, टू बी फार मोर डेंजरस, ये बहुत अधिक खतरनाक होते हैं, देन अ बैड ड्रेन्स आर एन इन्फेक्टेड हाउस, ये या गंदे नाले से या तो एक प्रदूषित घर से भी बहुत अधिक खतरनाक होते हैं।